भी तो नहीं बदली। मुझे पुराने दिन याद आ गए, जैसे तब तू बदतमीजी से बात करती थी ना, वैसे ही आज कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी हूँ या कैसी थी, अभी सवाल ये है क्या आपने सभी के बाल डीएनए टेस्ट के लिए काटे हैं? काकू प्लीज कह दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं काकू नहीं देंगी आपको, क्योंकि इनके इरादे ही ठीक नहीं है। मेरे इरादे बिल्कुल ठीक है, नहीं दूंगी तुझे बाल। क्या कर लेगी? वही तो मैं सोचूं, वहनी इस रस्म में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी? देखा, मैं सच बोल रही थी। चला होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली, और क्यों ना करूं मैं डीएनए टेस्ट? इतने सालों से हमारी जिंदगी से तू गायब थी, और आज अचानक अपनी बेटी को लेकर हमारे सर पे मरने आई है, और तू सोच रही है हम चुपचाप मान लेंगे? लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान बदल जाता है, समझदार हो जाता है, लेकिन आपके साथ उल्टा हुआ है। आप अब भी वैसी की वैसी ही है, वही चाले, वही जालसाजी और वही शक करने की आदत अभी तक नहीं बदली। और आज आपने मेरी मासूम बच्ची को नहीं बख्शा, रस्म के बहाने उसके बाल काट दिया आप। हाँ, मैंने उसके बाल इसलिए काटे ताकि मेरे खानदान की नाक न कटे, मेरे नस्ल में कोई मिलावट ना हो, किसी और का खून मेरे खानदान में। बस बहुत हो गया, रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे कि आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यही बात उठाई जा रही कब से। मुझे सच में लग रहा था कि आप सभी को दिल से अपना चुकी हैं, दिल से इन रस्मों में शामिल हो रही है, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही इरादे आपके। काकू, ये गलती आप पहले भी कर चुकी हैं। अपनी ही बेटी देवयानी को हरिनी उसकी बेटी से दूर कर दिया था, अलग कर दिया था आपने, और ये सब किस लिए? सिर्फ अपने झूठे अभिमान को शांत करने के लिए, और कुछ नहीं था। और उस सबका नतीजा क्या हुआ? देवी ताई ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, और अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। क्या चाहती है? मैं भी अपना मानसिक संतुलन खो दूं? खो दूं? क्योंकि आप कुछ ना कुछ करके मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देंगी, और मैं भी अपना मानसिक संतुलन ऐसे ही खो दूंगा। मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। आप काकू हो ना मेरी? नहीं, मैं इनफैक्ट कर देता हूँ पूरी। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। आप मुझे नहीं रोकेंगे पापा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। मेरी काकू है ना, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये सर फोड़ दूंगा मैं, सर फोड़ दूंगा मैं। चुप, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तू? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रही हैं? समझ में आ रहा है आपको? एक माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। सही से आपकी लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि सही झूठ नहीं बोलती है। कहा था ना मैंने आपसे, कभी झूठ नहीं बोलती है वो। और ये सच झूठ सब साइड में रखो। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि वो बच्ची सभी मेरी बेटी है, और मेरा दिल ये भी जानता है कि सही कभी किसी और के बच्चे की मां नहीं बन सकती।
वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा एक बार बस। नहीं, एक बार भी नहीं। आपको मेरी कसम काकू, अगर आपने ये सवाल आगे से कभी भी पूछा ना, तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब सई हमें छोड़कर चली गई थी और जब विनायक हमारी जिंदगी से चला गया था, जब मैंने अपने बेटे को खो दिया था, मेरी क्या हालत हो गई थी। मर जाना चाहता था मैं, जिंदगी खत्म कर देना चाहता था मैं, पर आप हर रोज मुझे समझाने आती थी कि कैसे मुझे निराश नहीं होना चाहिए, कैसे हताश नहीं होना चाहिए। उस स्थिति से निकालने के लिए आप कितना छटपट आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब तो साल भर हो गया, सही को गुजरे, इस खानदान के चिराग को गुजरे, अब तो अपने आप को ऐसे मौत के मुंह में झोंकना बंद कर दे विराट। लेकिन जब मैं वीनू से मिला, उसने मुझे उस मानसिक स्थिति से बाहर निकाला है, जीने की एक उम्मीद जगाई थी मुझ में। वैसे ही काकू, आज जब मुझे सभी के बारे में पता चला है, मैं फिर से वही विराट बनने जा रहा हूं जिससे आप लोग वाकिफ हो, जिसे आप जानते हो। काकू मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बेटी मेरी जिंदगी से चली गई, मैं फिर से टूट जाऊंगा, फिर से वही विराट बन जाऊंगा जब सई मुझे छोड़कर चली गई थी। और इस बार मुझे बचाना नामुमकिन होगा। काकू अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो वादा कीजिए कि आप ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे। वादा कीजिए। ठीक है, मैं वादा करती हूं कि ना कभी ये सवाल उठाऊंगी और ना ही इसके बारे में बात करूंगी।